तो चलिए माय डियर, आज हम लोग क्लास सिक्स इतिहास यानी कि हिस्ट्री का नोट्स को स्टडी करते हैं, रीड करते हैं और इसको समझते हैं, और साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर भी क्लास सिक्स एनसीईआरटी बुक से ये सारे चीजें लिखे गए हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी क्वेश्चंस आंसर को भी हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ जो चैप्टर में क्वेश्चंस आंसर हैं उसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी एनसीईआरटी बुक से जो आने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, वह सारे चीजों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए डियर, तो अतीत का अध्ययन यानी कि अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है, याद रखिएगा। आपसे कोई पूछ सकता है कि बताइए इतिहास किसको कहते हैं, तो बोलिएगा आप अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है, ठीक है। तो अतीत का अध्ययन यानी कि अतीत में हम लोग क्या चीजें खाते थे, यानी कि आज से 2000 साल पहले क्या खाते थे, जीवन निर्वाह यानी कि कैसे हम लोग जीते थे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। समझ में आ गया? तो अतीत का अध्ययन, खाना, जीवन निर्वाही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इसमें महत्वपूर्ण चीजों का ही स्टडी करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और इतिहास का मतलब तो कल वाला भी हो जाएगा, लेकिन वह महत्वपूर्ण चीजें होगा जब ही वह इतिहास होगा, नहीं तो ऐसे वैसे चीजों को हम इतिहास नहीं बना सकते, ठीक है। तो महत्वपूर्ण चीजों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है, ठीक है। शुरुआत इसका कैसे हुआ, तो देख लीजिए, 4700 वर्ष सिंधु नदी का आरंभ हुआ, 2500 वर्ष गंगा नदी घाटी का आरंभ हुआ, और 8000 वर्ष पूर्ण कृषि का आरंभ हुआ, ठीक है। समझ में आ गया डियर? ये सारे जो भी नोट्स हैं एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, ठीक है। अगर आप किसी भी यूपीएससी या पीसीएस या किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बेस्ट है वीडियो, ठीक है। जानते हैं फिर देश के बारे में। देश यानी कि इंडिया, यह शब्द इंडस से निकला है, इसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? अब यहां समझते हैं भारत के लिए। भारत उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, भारत, ठीक है। भारत का यूज कौन से लोग करते थे, तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पांडुलिपि क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैनुस्क्रिप्ट। देखिए, रिटन बाय हैंड यानी कि हाथ से लिखी गई ये पांडुलिपि ताड़ पत्रों व महिलाएं क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पांडुलिपि, ठीक है। हाथ से लिखी गई चीज को ही पांडुलिपि कहते हैं, जो किसी ताड़ पत्रों, ठीक है, तार पत्रों व महिलाएं क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं, ठीक है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, याद रखिएगा, दक्षिण एशिया क्या है, एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता यानी कि बड़ा तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, महाद्वीप से छोटा क्या है, दक्षिण एशिया, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। अभिलेख के बारे में जानते हैं, रिकॉर्ड्स या फिर इनक्रिप्शंस, अभिलेख, इंक्रिप्शंस या रिकॉर्ड्स, जानते हैं ऐसे लेख जो पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए हों, यानी कि लिखे गए हों, सतहों पर लिखे गए हों, उसी को क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं या इंक्रिप्शंस कहते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान काबुल में 2250 वर्ष पूर्व एक अभिलेख प्राप्त होता है, यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाए गए, यानी कि लिखवाए गए, ठीक है। इस अभिलेख में यूनानी व आरामेइक लिपि का प्रयोग किया गया, ठीक है। समझ में आ गया डियर? ये भी टॉपिक समझ लिया, ये भी टॉपिक समझ लिया, ये समझते हैं। सबसे पहले चावल विध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाया गया। पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि सबसे पहले किस अनाज को उपजाया गया और कहां उपजाया गया, तो बता सकते हैं आप कि
तो बता सकते हैं आप कि सबसे पहले चावल विंध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाया गया। ठीक है डियर, समझ में आ गया आपको। सहायक नदियां किसको कहते हैं जानिए, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, उसी को सहायक नदियां कहते हैं। ठीक है, तो सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, अब ये जानते हैं हम लोग, 8000 यानी कि 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं तथा जौ फसलों को उपजाना शुरू किया, भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया। ठीक है, याद रखिएगा, 8000 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, पूर्व पहले 8000 वर्ष पूर्व यानी कि पहले सबसे पहले गेहूं तथा जौ फसलों को उपजाना शुरू किया गया, याद रखिएगा। उसके बाद भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया गया। पुरातत्वविद यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट जानते हैं इसके बारे में, पुरातत्वविद किसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। अतीत में बनी या प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। तो पुरातत्वविद का मतलब एक व्यक्ति है जो अतीत में बनी या प्रयोग में लाई वस्तु का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारत के अवशेषों, चित्र तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ये जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं, उसी को हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, तो पुरातत्वविद आपको अगर हिस्ट्री के बुक में, एनसीईआरटी बुक में दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि ये एक व्यक्ति है जो अतीत में बनी या प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्र तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ये जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। समझ में आ गया, नेक्स्ट समझते हैं डियर। लिखने के लिए लिपि का प्रयोग होता है। लिपि अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती है। बोलने तथा पढ़ने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, लिपि का यूज हम लोग लिखने के लिए करते हैं। लिपि अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती है। लिपि अक्षर से बनी होती है या तो संकेत से बनी होती है, लेकिन बोलने तथा पढ़ने के लिए हम लोग भाषा का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतिहासकार यानी कि हिस्टोरियंस किसको कहते हैं। पांडुलिपियों यानी कि अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियां के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करता है, उसी को इतिहासकार कहते हैं। ठीक है, तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इतिहासकार का। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्वविद, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियां के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, स्रोत शब्द का। ठीक है, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करता है, सिंपल सा। इतिहासकार का मतलब जो अतीत का अध्ययन करता है उसको इतिहासकार कहते हैं। ठीक है, और बाकी ये सब है। ठीक है, तिथियां बोलते हैं जिसको डेट्स बोलते हैं। देखिए, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। हमारा, ठीक है, हमारा ग्रेगेलियन कैलेंडर एडी पर आधारित है। ठीक है, जो हम लोग का कैलेंडर होता है ग्रेगेलियन, वह कैलेंडर एडी पर ही आधारित है। तो डेट्स के बारे में हम लोग किस पर, तो वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक यानी कि ईसा मसीह के जन्म की तिथि से ही की जाती है। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले और जन्म के बाद से की जाती है। ठीक है, तो अब इस चीजों को समझना बहुत जरूरी है आपको। तिथि, और आप जानते हो ना, बीसीई किसको कहेंगे, एडी किसको कहेंगे, सीई किसको कहेंगे, ठीक है, ईसा पूर्व किसको कहेंगे, ईसवी किसको कहेंगे, ये सारा चीजें आज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है डियर, बहुत अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए। देख लीजिए यहाँ पर डियर, देखिए ये ईसा का जन्म, ईसा मसीह का जन्म मान लीजिए यहाँ हुआ है, तो इनके पहले, इसके पहले को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह से पहले, और इसी ईसा पूर्व को इंग्लिश में बीसी लिखा हो, कहीं अगर आपको हिस्ट्री में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर बीसी दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट होते हैं। ठीक है, बीसी, इसका मतलब, बीसी का मतलब ही होता है कि ईसा मसीह से पहले, या फिर हम बीसी ईव लिखते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है,
तो बीसीई और बीसी में कोई फर्क नहीं है। बीसी आपको दिखाई दे तो समझिए कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, या बीसीई दिखाई दे तो भी आप समझिएगा कि ईसा मसीह के पहले, ठीक है। लेकिन अगर ईसा मसीह के बाद की बात की जाए तो हम लोग हिंदी में ईसवी लिखते हैं। ईसवी जहां रहेगा आप समझिएगा कि ईसा मसीह के बाद की बातचीत हो रहा है, ठीक है। और इसको इंग्लिश में एडी बोलते हैं, जिसको हम लोग इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, ठीक है, या फिर एडी या फिर सीई भी बोलते हैं, जिसका सीई का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा, ठीक है डियर। कॉमन एरा होता है, ठीक है। तो एडी, ठीक है, तो एडी सीई में कोई फर्क नहीं है। एडी और सीई का मतलब ही होता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, और हिंदी में ईसवी बोलेंगे, ठीक है। कहीं भी बुक में कोई आपको वर्ष दे दे और ईसवी लिखा रहे तो समझ जाइएगा ईसवी दे दे हिंदी में, इंग्लिश में एडी दे दे या सीई दे दे तो आप समझ जाइएगा कि सीधा ईसा मसीह के जन्म के बाद की बातचीत कर रहा है, ठीक है। और अगर हिंदी में ईसा पूर्व दे दे, इसका मतलब ईसा मसीह से पहले, या फिर बीसी दे दे या बीसीई बोल दे तो आप समझ जाइएगा कि इस में ईसा मसीह के पहले की बातचीत कर रहा है। मिस्र में एक ही लेख कई भाषा और लिपि में मिलते हैं। मिस्र में एक ही लेख कई भाषा और लिपि में मिले हैं। इनमें राजा और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में है, जिन्हें कारतूस कहा जाता था, ठीक है, जिन्हें कारतूस कहा जाता था, ठीक है डियर। अगर आप चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप खुद से भी अगर चाहते हैं लिखना तो इस नोट्स को आप लिख सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है डियर, लिख लीजिए। किसी भी टाइप के अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गए, ठीक है, और उसमें डिमांड है हिस्ट्री का, तो ये सारे चीजें आपको काम में देखने को मिलेगा, ठीक है डियर, ओके।